हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र खत्म होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। सत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश की आर्थिकी को पटरी में लाएंगे और आगामी 10 वर्षों में प्रदेश देश का सबसे शक्तिशाली राज्य होगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिए कई विधेयक लाए गए और निरारक्षित बच्चों के भरण पोषण के लिए कानून भी बनाया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना हमारा जो बजट सेशन था उसको सबने कवरेज किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हमने एक और फैसला किया है कि शिमला में जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स की तरफ भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो, बागवान को नुकसान ना हो, जो एप्पल ग्रोअर्स है उनको नुकसान हो, उस दृष्टि से हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स और रोहित ठाकुर जी ने उसको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद ये पाया कि किसानों का जो एप्पल का जिसमें एप्पल भरा जाता है बॉक्स होता है वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के हिसाब से उसको प्राइस मिलता है। अब जो पेटी के रेट के हिसाब से प्राइस मिलता है कि ये पेटी है इसका प्राइस हो गया कि 900 रुपये पेटी गई जी, 1000 रुपये पेटी गई, कितने किलो सेब है वो चाहे 30 किलो ही है। उस दृष्टिगत हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफ़ी सोच विचार किया और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागवान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागवान है, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान होंगे, बागवान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है। ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कई बागवान बेचारे गांव में 30 किलो की पेटी भर के दे देते थे, 25 किलो की पेटी भर के दे देते थे। इस दृष्टिकोण से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकता कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो हमने अभी ये इंतजाम किया है कि वेट के हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका उचित मूल्य मिले। इस दृष्टि से कौन से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेफ सीजन होगा उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज़्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरन चंद ठाकुर जी जी ने ये प्रस्ताव लाया था एक नियम 133 के तहत, जिसके लिए 63 के नियम 63 के तहत पूरन चंद ठाकुर जी जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, इन सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है, जब तक तो कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया, और उन बच्चों के लिए हमारी सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, ये उनका अधिकार बनता है। जो बच्चे अपने बचपन में छोटी उम्र में अपने माता पिता खो गए या उसके बाद अपने माता पिता खो गए, ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नियम जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और इस सुविधा का लाभ जल्दी ही अनाथ बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें है कि हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर, ताकि आय हो और हम अपने जो विकास के कार्य वो रुक ना सके। अभी उससे एक पैसे आए नहीं हुए, लेकिन हमारी मंशा अच्छी है। फिर शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे 4 साल से,
हमने फैसला किया कि इनकी ऑक्शन होगी, और आज मुझे खुशी है कि 40% की बढ़ोतरी के साथ वो ऑक्शन हुई, ये हमने फैसला किया। तीसरा, हमने फैसला किया कि जो पावर प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा होनी है वो 2 साल पहले कैसे बनेंगे, उस दृष्टि से हम बने आगे बढ़े। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागवानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है, क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ, क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 92,838 रुपये का कर्ज है, प्रत्येक हिमाचली पर 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप में, पर हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं पड़ने देंगे, और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली और अमीर राज्यों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहाँ हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाएँ, डिस्पेंसरियाँ चलाएँ। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गए, IGMC खाली है, जहाँ अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नहान के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर 1 वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है, 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिन हुए, सारा कसूर तो आपका है। पैसे देने को पैसे नहीं, आर्थिक बदहाली की दौर से इस बार तो हमने, और स्पीकर साहब ने जो डिनर होता था वो भी नहीं दिया। पर ये इन चीज़ों को हम इसमें काउंट नहीं करते, पर हम विकास में कैसे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से भी हम कार्य करते हैं और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ देखते हैं। अपने पहले बजट सत्र को आप और जो आपने नए बिल लाए हैं, पारित किए, खासकर सुखाश्रय का जिक्र बहुत किया आप। देखिए, या तो विपक्ष समझना नहीं चाहता या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहता है। मुझे बड़ा तो वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई NGOs बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बात वो करते हैं, कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं, लेकिन हमने कहा कि इनकी सहायता करने के बजाय उनके मन में एक भाव रहता है कि ये दया, कि हम इनकी दया भाव पर निर्भर करते हैं सहायता के क्षेत्र में। मैंने उस दृष्टि को पहचाना और उस दृष्टि को पहचानने के बाद मैंने कहा कि ये किसी की दया दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, किसी दुर्घटना में हो गए, कोई कभी कोई कार दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप दोनों छोड़ के चले जाते हैं, तो इन बच्चों का कौन सहारा भरेगा? इसलिए हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा और ये कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उनका अधिकार है। अब जब उसने, जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको फीस देने का भी सरकार देगी, हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी, IIT में सेलेक्ट होता है,
NIT में सेलेक्ट होता है, एम्स में सेलेक्ट होता है, MBBS में सेलेक्ट होता है, पॉलिटेक्निकल में सेलेक्ट होता है, बेटियां अगर BSc नर्सिंग करती है उसमें सेलेक्ट होता है, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो हॉस्टल का खर्चा तो देगी, फीस का खर्चा तो देगी, 4000 रुपया मासिक पॉकेट मनी के लिए भी देगी। फिर सर्दियों में जैसे अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं उस तरह उनको बाई एयर घूमने की सुविधा दी गई है, 3-स्टार होटल में रहने की सुविधा दी गई है, गर्मी सर्दी के कपड़े कौन से पहने उस दृष्टिकोण से दिया गया, ऐसा कोई बिल आज तक आया नहीं है। तो इसलिए ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने सेल्फ उसको खड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो केंद्र के बिल का प्रोटेक्शन केयर और उसकी बात कर रहे थे, जबकि इस बिल से कोई लेना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद और तकरीबन 1 करोड़ रुपया दान में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।